देखिए शर्मा जी, एलजी के पास तो कई थी फाइल और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पर उन्होंने जवाब मांगा, जानकारी ली, तो फिर इन्हीं लोगों से सवाल जवाब क्यों हो रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एलजी के पास फाइल गई थी इस पूरे मामले में। चित्रा जी, सुजाता जी, के शर्मा जी हमारे साथ हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मैं आ रही हूँ, मैं इसका जवाब आपको देता हूँ, और इसका जवाब ऑलरेडी आपके ही रिपोर्टर संजय जी ने जब हेयरिंग चल रही थी पूरी तरह स्पष्ट किया। मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ एलजी वाले विषय पर, लेकिन मैं इसके पहले एक बात कहता हूँ। अभी आपने संजय सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, एक भी तथ्यों पर बात किया उन्होंने? एक भी तथ्यों पर? आज सारा जो ईडी ने जितना भी से जो है रखा है उसके कोर्ट के अंदर में, ये कह रहे हैं आज ईडी को जगा दिया। इनको पता ही नहीं कि ईडी जो है लगातार जांच कर रही है, नहीं तो ये दिनेश अरोड़ा, आपके विजय नायर, बच्ची बाबू, इन लोगों के सबके बयान कैसे रखती वहां पर? वो उन लोग इसी के कविता से पहले उन्होंने जांच को किया हुआ है। यही नहीं, जो के अरविंद है, जो आबकारी सेक्रेटरी है, उनका भी बयान उसमें रख रही है। तो ईडी कहां से हवा चला रही है? ये जांच नहीं कर रही है, लेकिन केवल झूठ बोल रहा है, केवल झूठ, क्योंकि आपको उनके बयानों से लिंक मिला है सिसोदिया का, तो आप सिसोदिया की भी जांच होनी है। लेकिन अभी जो आपने पूछा लेफ्टिनेंट को, ये जो है आरोप मैं लगातार सुन रहा हूं पिछले 1.5-2 महीने, और आज उसकी स्पष्टता हुई है कि एलजी ने स्वयं इनके ही जो वकील थे, मैं उसके आधार पर बता रहा हूं जो कोर्ट में पास हुई है और आपके यहां जो रिपोर्टिंग हुई है, इनके ही वकील ने कहा कि एलजी ने 3 जो है उसमें क्वारीज दिखाया, 3 बातें उन्होंने पूछी। नंबर 1, एक बार सुन लीजिए, क्वारीज लिया और उसमें यह कहा ऑलरेडी कि यह टेंडर के बाद किया। अरे टेंडर से पहले जो आपने, यही तो आरोप है कि जो अप्रूवल लिया आपने, उस अप्रूवल में ये 5% से 12% करने का जो आइटम था और जो 2 आइटम थे आपने मेंशन ही नहीं किया। और के अरविंद जो उस समय के तात्कालिक आबकारी सेक्रेटरी हैं, वो उसको बयान कर रहे हैं कि मुझे तो सिसोदिया ने बुलाया अरविंद केजरीवाल के घर पर और 30 पन्ने का नोट दे दिया और कहा कि इसको ऐड कर दो। जो शराब नीति सरकार ने बनाई थी, ईडी इतनी जल्दबाजी में लगी हुई है, 1 रुपए साबित तो कर नहीं पाई, ये सवाल है ना के शर्मा जी? इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। लगातार पिछले साल भी पूछताछ हुई, इस साल भी शुरुआत से पूछताछ हो रही है, टाइमिंग को लेकर भी तो पूछे जाएंगे ना शर्मा जी आप लोगों से सवाल? नहीं चित्रा जी, ये तो पहले जांच तो ईडी करने दीजिए ना, जांच तो उसको करने दीजिए, अब ये पकड़ में आए तो फिर बताएंगे। ठीक है ठीक है, नवल किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। ठीक है, एक टिप्पणी मैं उनसे जल्दी से ले लेती हूँ। ठीक है नवल किशोर जी, अब मामला भले ही पुराना हो लेकिन अगर उसमें कुछ तथ्य निकलकर सामने आएंगे तो जांच तो की जाएगी ना? अब जांच की जा रही है आरजेडी के नेताओं से जुड़े हुए पुराने मामले में, आईआरसीटीसी के मामले में, तो हंगामा कर दो, आरोप लगा दो और कह दो कुछ हुआ ही नहीं था, जांच तो होने दें। देखिए चित्रा जी, तथ्य तो ये है ना कि इस देश का सबसे काबिल रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव सिद्ध हुए, 90,000 करोड़ का ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने फायदा पहुंचाया। तथ्य तो ये है, तथ्य तो ये भी है कि उनके ऊपर पूरे देश विदेश में चर्चा हुए कि किस तरह से एक घाटे में चल रही रेल को उन्होंने फायदे के दौर में लाया। तथ्य तो ये है ना कि आज के डेट में पिछले 8 साल से रेल के एक एक इकाई को उन्होंने, इस सरकार ने बेच दिया। तथ्य तो ये है ना कि आप हर मोर्चे पे फेल हो रहे हैं, लालू जी को फंसाने के लिए आपने 4 बंद केस खोले। तथ्य तो ये है ना, तथ्य तो ये है ना कि जो सीबीआई ने डीए के केस किए वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया उसको। तथ्य तो बहुत सारे तथ्य हैं चित्रा जी, लेकिन तथ्य उसके अलावे भी हैं, जो कि पक्ष सरकार और एक संगठन है, ममता बनर्जी ने भी रेल मंत्री रहते हुए इसी पूरे मामले को सीबीआई के लिए भेजा था, ये भी तो एक तथ्य है ही। तो ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी कर रही है, और पहले सीबीआई ने बंद कर दिया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये भी मालूम होना चाहिए, यूपीए की सरकार थी, ये भी मालूम होना चाहिए कि यूपीए की सरकार थी, फिर लालू परिवार को पूरा फायदा मिला है, बंद कर दिया रेल मंत्री उसी मुद्दे पर। फिर आज की तारीख में सीबीआई और ईडी के खिलाफ आप लोग एक साथ खड़े बात कहता है। नहीं, हम लोग इस सरकार के खिलाफ में है जो कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स और जितने भी जांच एजेंसी हैं उनके साख को खंडित कर रही है। इस देश के एक एक व्यक्ति का विश्वास है इन संस्थाओं पे, उन संस्थाओं को एक सरकार और एक दल और एक संगठन का कठपुतली बनाकर जो कठपुतली बना दिया है ईडी और सीबीआई को, के शर्मा जी आप लोगों ने, किसी एजेंसी से नहीं है। सीबीआई इस पूरे मामले में पहले ही बोल चुकी है कोई सबूत है नहीं,
और आप लोग जब 2014 से सत्ता में आए तो ये 2023 में अचानक से आप लोगों को याद आ गया कि अरे भाई इतने सारे रिश्तेदार इनके फंसे हुए हैं, चलो ढूंढो निकालो पूरा पश्चिम हर जगह। शर्मा जी वो कह रहे ना सरकार इनकी चली गई, वही चीज है जो निकल रही है बीजेपी की बिहार में। नहीं नहीं, नवल किशोर जी को लालू जी के विषय में बहुत जानकारी है उस समय की, तो ये भी इनको जानकारी होना चाहिए। मैं एक लाइन पढ़ देता हूँ, रेलवे भर्ती घोटाला 2009 में, राणे के विषय में जानकारी है, शिवराज सिंह चौहान के विषय में जानकारी है, रेड्डी ब्रदर के विषय में क्या जानकारी है, ठीक है, निशंक के विषय में नहीं, इसे पूछ लीजिए, जो सात सात लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं उसके खिलाफ मीडिया ईडी और सीबीआई क्या कर रही है, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। पूर्व शिक्षा मंत्री भी है, वो चीफ मिनिस्टर रहते हुए उत्तराखंड के, उन पर चार्जेस लगे थे, ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ, रिजाइन करवाया था।